जेठा भाई ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? यही तो आपका इलाज है। नहीं नहीं राजा भाई नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं ले सकता। नहीं। तो एक तरफ से जेठिया को बातों में उलझाता रहे, तो दूसरी तरफ से हथीड़ा चुपचाप जेठिया को इंजेक्शन दे दे तो। हाँ अच्छा आइडिया चाचा जी, हाँ फर्स्ट क्लास। टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं? इंजेक्शन ले लीजिए ना प्लीज। नहीं ना बोला ना तुझे। भैया भाभी जेठालाल को इंजेक्शन नहीं लेना है तो इंजेक्शन नहीं देंगे। तारक क्या कह रहे हैं आप? अंजलि भाई चुप रहो ना एक मिनट, अगर जेठालाल को इंजेक्शन से तकलीफ होती है तो हम क्यों देंगे इंजेक्शन? हाँ थैंक यू माता साहब, एक आप ही मेरे सच्चे दोस्त हो। शुक्रिया जेठालाल। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, तुम हॉस्पिटल चलोगे या घर चल के आराम करोगे? अरे कैसा सवाल पूछ रहा हूँ मेहता साहब, हॉस्पिटल जाना कौन पसंद करेगा, घर 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 जाना है। हाँ तो ऐसे हालत में तुम सीढ़ियां तो चढ़ नहीं पाओगे, तो मेरे घर चलोगे वहां चल के आराम करोगे? हाँ ठीक है। ऐसे टेढ़ा खड़े खड़े मैं थक गया हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं देखो दर्द का क्या है जेठालाल, दर्द हम महसूस करते हैं तो होता है, अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर लो तो दर्द नहीं होता। एक काम करो, आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। हाँ गहरी सांस लो और अब सोचो, एक बहुत बड़ा कमरा है, कमरे में तुम जा रहे हो और तुम जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हो वहां चारों तरफ जलेबी और फाफड़ा है, बहुत सारा जलेबी और फाफड़ा, और अब तुम कंफ्यूज हो कि पहले क्या खाऊं, जलेबी खाऊं या फाफड़ा, लेकिन जलेबी ज्यादा रसीली है और तुम जलेबी की तरफ धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाते हो, तुम्हारा हाथ जलेबी की ओर बढ़ा, आगे आगे बढ़ा, तुम्हारा हाथ जलेबी की ओर आगे बढ़ा, तुमने जलेबी उठाई और ये जलेबी तुम्हारे मुंह की ओर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ये गई। हो गया 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 हो गया। गुड जॉब। मेहता साहब मैंने आपको दोस्त समझा लेकिन आप तार निकले, छोड़ दो देश के बाहर निकल जाओ। मेहता साहब भारत छोड़ो, मेहता साहब भारत छोड़ो। ठीक है जेठालाल, जैसे ही दर्द तुम्हारा शरीर छोड़ेगा मैं भारत छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ लेकिन ऐसी गद्दारी मैं तुम्हारे लिए बार बार करूंगा। हाँ गुप्ता जी बोलिए। फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आ जाता लेकिन ठीक है, मैं अभी आता हूँ हॉस्पिटल, अभी आता हूँ, मेरे पेशेंट को अर्जेंट देखने जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ से जाना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन एक पेशेंट की हालत बहुत खराब है इसलिए मुझे उसको हॉस्पिटल देखने जाना पड़ेगा। गुड हंस जल्दी आ जाना। हाँ या या। लेकिन हथीड़ा ये जेठिया का क्या करें, वो कब तक बेचारा ऐसे खड़ा रहेगा? चाचा जी इंजेक्शन तो दे ही दिया है, अब थोड़ी देर में इसका असर होगा और तुरंत राहत मिल जाएगी जेठा भाई को। सॉरी जेठा भाई मम्मी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र दिक्का, बाय दादाजी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बाय बाय, बाय अंकल, जाना मुका, बाय, हाँ, संभल के जाना, हाँ, टप्पू के पापा, अब कैसा लग रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है दया, उल्टा दर्द मिटाने के लिए जहाँ इंजेक्शन मारा है, वहाँ भी दर्द शुरू हो गया है, गद्दार, भगवान मैं बैठना चाहता हूँ, लेटना चाहता हूँ, बाबूजी जिठिया जिठिया तू जरा शांति रख, हम लोग कुछ सोचते हैं। अरे मैं तू कुछ सोचना भाई, देख मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है। मैं यही सोच रहा हूँ कि इस अवस्था में जेठालाल के आराम की व्यवस्था कैसे करें। कुछ सोचो भाई, सोचो सब लोग सोचो, सब लोग कुछ सोचिए। हे भगवान अब हम क्या करें? टप्पू के पापा आपको आराम कराने का मस्त
क्या क्या बोल 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 अब जरा सब लोग अरे वाह दया भाभी आपने तो जबरदस्त आइडिया सोचा है हाँ बहू कमाल का तोड़ निकला है तूने अरे भाई जिस पे आजमाने वाले हो उसको भी तो बताओ क्या आइडिया है अंदर अंदर ये मस्त आइडिया कर रहे हैं क्योंकि पापा अब बस दो मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए नहीं आंखें बंद नहीं करूंगा आंखें बंद होते हैं इंजेक्शन मार देंगे टप्पू के पापा देखिए हाथी भाई तो चले गए हैं अब आपको इंजेक्शन कौन मारेगा प्लीज मेरे पर भरोसा रखिए ना दो मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए ना प्लीज सिर्फ आंखें बंद करनी है या लंबी लंबी सांसें भी लेनी है अब सांस लेना न लेना वो आपकी मर्जी मतलब सांस कितनी लेनी कितनी नहीं वो आपकी मर्जी टप्पू के पापा बस दो मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए ना मान जाइए ना जेठा भाई प्लीज देखिए सब लोग कह रहे प्लीज आग मत करो जेठा आग मत करो आप बोलिए मत मतलब कर दो भाई कर दो अरे क्या कर रहे हो मुझे किसके साथ क्यों बांध रहे हो अरे कुछ नहीं बस जेठालाल हो गया तुम्हें आराम मिल जाएगा खोलो आंख हां खोलो खोलो अरे क्या अरे मुझे खटे के साथ क्यों बांध दिया रिलैक्स पापा शांति रखिए एक मिनट लोग जरा खटिए को धीरे धीरे नीचे कर देंगे प्लीज धीरे संभालो आराम से अरे दया तेरा ये अहमदाबादी रजवाड़ी आइडिया तो बहुत जबरदस्त है मजा आ गया थैंक यू बेचारे जेठालाल की खड़े खड़े हालत खराब हो गई थी नहीं जेठाल अब मेरे ख्याल से तुम अपने हाथ को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करो शायद हो जाएगा नहीं मेहता साहब नहीं बिल्कुल नहीं जरा भी हाथ हिलाने की कोशिश करता हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है जेठा जी देखिए आप कोई जबरदस्ती मत कीजिए नहीं तो फिर से कोई नई प्रॉब्लम हो जाएगी बिल्कुल बबीता जी बिल्कुल मिता साहब ये इंजेक्शन तो लगवा दिया लेकिन इसका कोई असर तो नहीं हो रहा है हाँ इंजेक्शन लेने के बाद अभी दर्द तो मिट जाना चाहिए इंजेक्शन का असर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा टाइम लगता है तो फिर गोली क्या बोली थी टप्पू के पापा आप हाथ पैर पसार के मस्ती से सो जाइए अरे क्या आराम से हाथ पैर पसार के सोइए धूप कितनी आंख में निकल रही है मेरी कहाँ से सो आप चिंता मत कीजिए मैं रवि किरण को रोकती हूँ किसको रवि की किरण को रोकती हूँ अच्छा कोई फायदा नहीं दया भाभी आज तक रवि किरण को ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा आप देखना धूप झपक से आएगी और फटक से तेज हो जाएगी आज क्या झपक फटक डे है अहो काय चाललंय यांचं कब से झपक झपक कर रहे हैं अरे भाई भिड़े रवि की किरण तो हम नहीं रोक सकते लेकिन जेठालाल को तो मेरे घर में हम ले जा सकते हैं ना बेस्ट हम खटिया के समय जेठालाल को मेरे घर में ले जाते हैं वहाँ बिल्कुल छाया होगी हाँ मेहता की बात बराबर है गुड आइडिया हाँ माता साहब ले चलो मुझे अपने घर ले चलो अरे एक मिनट लेकिन ये खटिया को मेहता साहब के घर के अंदर कैसे ले जाएंगे अरे सिंपल है जेठालाल को खटिया से तो बांध दिया है इसलिए जेठालाल का गिरने का तो कोई चांस है नहीं हम खटिया को ऐसा टेढ़ा करके मेहता साहब के घर में गुजर देंगे हाँ ऐसे ये भी हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल करके ऐसे ले जाते हैं तो फिर देर किस बात की चलो उठाते हैं जेठापुरा को खटिया के साथ एक मिनट भाई जरा संभल के उठाना बोलो राम बोलो भाई राम पटलाल क्या बोलता है थे क्या बोला तू क्या बोला अरे वहाँ क्या बोला वो बोल वो
चाचा जी, मैं ये कह रहा था कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए, तो मैंने बोला बोलो राम बोलो ओ भाई, बोलो राम बोलो ओ भाई, ऐसा अच्छा जेठा भाई उठ गए, मतलब खटिया खड़ी हो गई, मतलब चलिए जेठा लाल लेते रहो भाई, शांति शांति क्या शांति क्या जिले मामी क्या शांति। अरे बेटा क्या कर, तुम्हें ढंग से उठाना चाहिए ना खटिया, क्या गिरा दिया तुमने। मैंने क्या किया, अरे मैं तो खुद गिर गया था बेटा साहब। हां ये पोपटलाल ने धक्का मारा मुझे। अरे क्या पोपटलाल ने धक्का मारा भाई, मैंने कोई धक्का नहीं मारा, मैंने देखा वो अय्यर भाई का बैलेंस गया था उधर। अरे मेरा किधर बैलेंस गया, ये सॉरी देखना इसका हाइट जितना ऊंचा, इसने वो खटिया को ऐसा ऊंचा कर दिया, इसने मेरा बैलेंस चला गया। तो क्या करता है ये, मैं क्या बैलेंस चला गया। अरे एक मिनट अभी बहस नहीं करते, अभी जेठा को झपक से उठाते और फटाक से अंदर लेके जाते। नहीं कोई नहीं उठाएगा, अगर ये खटिया को उठाएगा तो सिर्फ मेहता साहब। हाँ, अरे पर जेठालाल मैं अकेला तुम्हें उठा के अंदर कैसे लेके जाऊंगा। तो ठीक है रहने दीजिए, मैं जैसा हूँ जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, रहने दीजिए मुझे कहीं नहीं जाना, इधर ही रहने दीजिए मुझे, जैसे मेरी तकदीर। वो तो जैसा कर्म वैसा कमर। क्या क्या बोला तू? नहीं चाचा जी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर जो डेस्टिनी में पेन है तो वी हैव टू ऑनर इट। अरे भाई महतुस, मुझे लगता है कि अब हमें कोई देसी उपचार करना पड़ेगा। देसी उपचार मतलब चाचा जी? अरे भाई वो होते हैं ना हार्ड वाइज, जो अपने हाथ की करामत से वो मोच ठीक कर देते हैं, हड्डियों को जोड़ देते हैं वो। हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कहा आपने, अरे हार्डवेयर तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सिर्फ हाथ लगाकर बोल देते हैं कि फ्रैक्चर है कि नहीं है। नहीं वो तो ठीक है चाचा जी, लेकिन हम में से कोई जानता है किसी हार्डवेयर को? हाँ मैं नहीं जानती हूँ। अरे तू बुलाओ ना दया, बुला जल्दी बुला। लेकिन उनको आते आते थोड़ा बहुत वक्त तो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी अमदाद की पोड़ में रहते हैं ना। दया भाभी, दया। हाँ यही हूँ। अरे क्या ये हूँ, कैसे बात कर रही है कुछ लेकर नहीं। चाचा जी, हाँ मेरे पहचान में एक हार्डवेयर है, मैंने उन्हें फोन कर दिया है, बस वो आ रहे हैं। शाबाश शाबाश, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। तू नहीं होता तो गोकुलधाम सोसाइटी का क्या होता भाई। जेठा भाई आपके लिए कुछ भी। थैंक यू। अरे आगे आगे भाई आगे, हार्डवे जी आगे, मैं लेके आता हूँ। देखो भाई घुमा के रखना, आता हूँ 5 मिनट में। हाँ नहीं चलिए, पेशेंट कहाँ है? पेशेंट यहीं पे, आई आई मैं दिखाता हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा दया भाभी, आराम कर। अरे ये पेशेंट को ऐसे बांध के क्यों रखा है, भाग जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो टप्पू के पापा की कमर में मोच आ गई है तो उनकी कमर लॉक हो गई है, ऐसे खड़े खड़े वो बेचारे थक गए हैं ना, तो उनको ऐसे खटिया में बांध के सुला दिया है ताकि उनको आराम मिले। वैद्य का टप्पू के पापा ठीक हो जाएंगे ना? अरे आप चिंता मत करो, इससे भी आड़े टेढ़े पेशेंट को चुटकी भर में ठीक कर दिया है मैंने। ये क्या है? अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह। ओ भाई साहब इनको चेक कैसे करूं? ओ भाई साहब जैसे गड्डी के नीचे जाके गड्डी चेक करते हैं वैसे आप हड्डी चेक कर लो। हाँ वो भी ठीक है, चलो पढ़िए ना इधर लेकर।
अबे संभल के कहीं इनकी कमर में मोच आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा ठीक हो इधर। एक सेकंड एक आप रुकिए, मैं काम करता हूँ। आप इधर आइए, इधर आइए। वेद्रा जी अब आप इस मैट पे लेट जाइए। तारक संभल के। अरे भाई साहब वो खटिया तो उधर है, मैं कैसे चेक करूंगा? अरे एक काम करते ना, खटिया को उठा के वहां रख देते। अरे अब्दुल जरा वो हथौड़ी दे देना मुझे। अरे भाई नहीं जम रहा है यहाँ से, मुझे बाहर निकालो। चलो अब इनकी खटिया खड़ी कर दो ताकि मैं बराबर चेक कर सकूं। आओ भाई आओ, चलो 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 चलो। अब मैं ठीक तरह से चेक कर सकता हूँ। चेक करके ठीक कर दो। आइए आइए वेद्रा जी, आइए आइए, चेक कर जटल। हाँ हाँ बराबर, एक मिनट यहाँ पे। ओके ओके ठीक है ठीक है, एक मिनट। वेद्रा जी क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ पर भी दुख रहा है। अब इसका क्या करें, प्रॉब्लम है। अब्दुल अरे तब तक एक काम करते हैं ना, हम लोग वेदराज जी को एक्सरे दिखा देते हैं तो उनको और आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ है पीठ में। क्या एक्सरे? इसका मतलब आपने पहले किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया है? नहीं वो काका क्या है, हमारी सोसाइटी में डॉक्टर हाथी भाई रहते हैं, उन्होंने एक्सरे निकाला और इंजेक्शन भी लगाया है। ये तो बहुत गलत हो गया, मैं सेकंड हैंड पेशेंट को देखता नहीं हूँ। मतलब? इसका मतलब जिसका इलाज पहले किसी दूसरे डॉक्टर ने किया हो, उसका एक्सरे निकाला हो, उसको इंजेक्शन दिया हो, ऐसे पेशेंट को मैं देखता नहीं हूँ। अरे मेरा उसूल है और मैं मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाता। अरे भगवान ये क्या मुसीबत है, आखिर कब मुझे छुटकारा मिलेगा इससे? क्या अब्दुल यार कैसे वेदराज को लेकर आया यार, नहीं जाता बोल के चले गए। वैद्य भी अभी चले गए। अरे सर तो यहाँ है। अरे बच्चों तुम लोग आ गए? हाँ सर। अरे जवाब बच्चे आज भी ट्यूशन को छुट्टी है? अरे भाई भिड़े कल के लिए भी छुट्टी दे देनी चाहिए थी। अरे कल क्या, मैं तो बोलता हूँ 3-4 दिन के लिए छुट्टी दे देनी चाहिए थी। किस खुशी में भाई? खुशी? जेठालाल का दर्द तुझे खुशी लग रहा है? मुझे नहीं लगता 3-4 दिन तक जेठालाल का लॉक खुलेगा। क्या बोला तू, क्या बोला तू? तू चाहता क्या है 3-4 दिन तक मेरा बेटा बेचारा ऐसे ही पड़ा रहे? नहीं चाचा जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। ऐसा क्या मतलब है तेरा, बोल। वो मेरा मतलब वो बोल बोल। जाने दीजिए चाचा जी, जाने दीजिए। सॉरी जेठालाल, सॉरी भाई। सॉरी वाली डिब्बी। एक मिनट क्या हुआ? आप लोग ऐसा ऐसा आवाज आ रहा है? हाँ गांधीलवासी असल, गांधीलवासी मतलब मधुमक्खी। अरे वो तो कान में घुस सकती है जेठालाल। अच्छा अरे भाई मेरा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। ओहो अच्छा अच्छा जब मैं निकल लो भाई। कौन है इस वक्त, किसको काम पड़ा भाई? कौन है किसका? टपुकी पापा माँ का फोन है। ओहो बात करेंगे? नहीं नहीं बात कर तू। हेलो माँ, माँ वो क्या है माँ कि हम लोग सुबह से सोसाइटी कंपाउंड में ही है इसलिए घर का फोन की घंटी बज रही थी।
मैं सुनो, पता है क्या हुआ? कसरत करते वक्त टप्पू के पापा की कमर में मोच आ गई। दोस्तों कई बार हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम डिक्शनरी उठा के उसका अर्थ खोजते हैं। किसी सवाल का जवाब न मिले तो हम एनसाइक्लोपीडिया खोल लेते हैं या फिर इंटरनेट खंगालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाए कि किसी सवाल का जवाब न तो एनसाइक्लोपीडिया में मिले और इंटरनेट भी हैंग हो जाए, तो तब सिर्फ एक जगह ऐसी है जिसकी छांव में हर सवाल का जवाब मिल सकता है, वो है दया भाभी की माँ। जी हाँ, दया भाभी की माँ ने इस सवाल का और इस परेशानी का हल भी ढूंढ लिया कि आखिर जेठालाल की कमर कैसे ठीक की जाए। उन्होंने जेठालाल की टेढ़ी मेढ़ी कमर को ठीक करने के लिए रामबाण उपाय सुझा दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि दया भाभी की माँ का बताया हुआ उपाय जेठालाल की कमर ठीक करता है या फिर और मुसीबतें खड़ी करता है। भाई आखिर ये नुस्खा है क्या? ये नुस्खा जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ सोमवार को तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक 8:30 बजे, देखना मत भूलिएगा। और हाँ, तब तक ये सोचिए कि कमर को सीधा करने का ये उपाय है क्या जो दया भाभी की माँ ने बताया। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।